काम शुरू हो चुका है। दरवाजे चेंज हो गए ना। हाँ पूरा चेंज हो गया। हाँ चारों बाथरूम के दरवाजे चेंज। चारों बाथरूम के दरवाजे चेंज। अस्सलामुअलैकुम। सुबह जब मैं उठा तो दरवाजे जो है काम होना शुरू हो गया घर का। ये पहले से बहुत ख़राब चल रहे थे दरवाजे। एक तो हमने खुद थोड़ा सा लात मारकर और दूसरा तीसरा वो खुद ही ख़राब हो गए थे क्योंकि बारिश काफ़ी हुई थी तो उस वजह से सीलिंग आई थी वॉशरूम्स में। लाइक आप देख सकते हो ये ना फंसते हैं और पुराने भी हो गए तो चेंज होना लाजमी। वो पीछे मोम और बासिल जो है ना आपस में लगे हुए भाई मस्ती मजाक कर रहे हैं। सो इस व्लॉग की वजह से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। यहाँ पर तो भाई भूख मिट रही है बासिल की। भूख कासे पटवार दूध दूध पी ले उसके बाद फिर हम बासिल के साथ खेलेंगे भाई। अब माशाल्लाह ये खेलने भी लग गया। पहले तो ये सिर्फ रोता रहता था लेकिन अब ये खेल भी रहा है। दरवाजे कौन से लग रहे हैं वो तो देखने चले जाए। दरवाजे बाहर पड़े हुए दरवाजे देख लो कौन से दरवाजे लग रहे हैं। ओ भाई 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 सो ये है भाई न्यू दरवाजे 1 2 3 4। पहले हमारे पास ये लगा हुआ था तो ये निकाल दिया पूरा। आज दरवाजों का काम हो रहा है फिर कल से जो है वो हमारे रूम का काम शुरू हो जाएगा। कल से फिर हमारे रूम का काम शुरू करेंगे ना। हमारे रूम का काम अभी दरवाजे 4 दिन लगेंगे। एक दरवाजा एक दिन में लगेगा पूरा। एक दरवाजा एक दिन में लग रहा है। हाँ तो काम है कुछ मतलब 4 दिन में 4 दरवाजे लगेंगे उसके बाद फिर। ओ भाई चलो जैसा भी होगा देख लेंगे यार। अच्छा दे दे मैं झूला दे रहा हूँ उसको। अच्छा भी देते हैं। आज के नाश्ते में जो है वो है भिंडी चपाती के साथ। हाँ चपाती के साथ नाश्ता हो चुका है रेडी तो फटाफट से करते हैं नाश्ता। मुबारक हो भाई मम खाना खा रही थी फौरन से उठ गए भाई। इनको ना कोई खाते हुए अच्छा लगता ही नहीं है डायरेक्ट उठ जाते हैं। हम लोग यहाँ खाना खा रहे और ये उड़ गए महाराजा। दूसरे महाराजा एक पेटेड भाई महाराजा दूसरे बासिल महाराजा। बस 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 भाई क्या हो गया अंगाइयाँ बहुत आ रही है। नोचो मत अपना मुंह घर डाओ। अच्छा सॉरी 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 गुस्सा नहीं करा सॉरी सॉरी। अच्छा गुस्सा भी बर्दाश्त नहीं है भाई चलो प्यार से अच्छा रख लो। वाह क्या अंगाइयाँ है। ऑलमोस्ट एक गेट जो है वो लगने वाला है और इसके बाद जो है पापा कह रहे हैं कि दूसरा गेट भी मैं आज ही लगवा दूंगा। मतलब फिर 2 दिन में 4 गेट। ये सही है वरना पापा को लग रहा था कि 1 दिन में एक ही लगेगा तो कचरा ही कचरा हो गया भाई सारा इस तरफ। जैसे इधर आया ना सारे पाँव में मेरे बुरादा चुपक गया। इसको कहते हैं बुरादा लकड़ी का। लॉक कौन सा लगा रहे हैं आप। बुरादा जो एयरपोर्ट पर जो बाथरूम में लगे हुए ना लॉक वो लगवाओ। बाहर जो है वो लॉक नहीं होगा बाहर ही प्लेट होगी सिर्फ। अच्छा ये जो हॉस्पिटल में एयरपोर्ट में वो वाला। हाँ सो भाई न्यू टेक्नोलॉजी लग रही है भाई हमारे घर के अंदर भाई समझ रहे हो। बोला ये वाले लॉक खराब हो जाते हैं तोड़ना पड़ता है तो अब क्या होगा बासिल भी बड़ा हो रहा है ना तो बासिल की वजह से हम लोग लॉक वाला लगा ही नहीं रहे गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यार इस काम की वजह से ना भाई सारे अपने अपने कमरों में है और टाइम जो हो चुका है वो लगते लगते 1 गेट 3-4 घंटे हो गए। बासिल को यहाँ मैं झूला दे रहा था वहाँ मैंने रखी थी अपनी चाय शाम की चाय ना कि चाय पियेंगे यार और बासिल को झूला देते रहेंगे बाहर तो काम चल रहा है। तो सभा आई सभा को यहाँ बैठा था सभा वहाँ बैठ रही है और वो पूरी चाय गिर गई। अब करो बेटा साहब सभा के सारे काम ना उल्टे सीधे पूरा कप खाली हो गया भाई चाय का शायद नसीब में नहीं थी मेरे। इसी के साथ यहाँ पर एक डोर कम्प्लीट हो चुका है और सफाई मॉम को करनी पड़ रही है। खोल के देखते हैं भाई कि ये गेट कैसा है। ये धक्का दिया ओ भाई ये वापसी बंद। ये वाला गेट लगाया हमने इस बार। ये मैंने खोला ना जैसे अगर वॉशरूम में आया लेट से तो ये पीछे से बंद हो गया मतलब बासिल जो है ना वो वापसी नहीं आ सकता। पहले क्या होता था पहले ये ना हम गेट खोलते थे तो खुला रहता था तो बासिल अगर जब चलने लगेगा या घुटनों पे तो वो अंदर घुस जाएगा तो वो गीला हो जाए ये हो जाए वो। तो हमने इसकी वजह से अभी से ये काम शुरू कर दिया तो ये बड़ा बेस्ट लग रहा है यार। आप लॉक भी कर सकते हो ये लॉक हो गया। कैसा लगा आपको गेट मॉम। अच्छा लगा मैं भी। तुम्हें कैसा लगा महाराजा। अच्छा लगा भाई अच्छा लग रहा है वो चाय दे दो यार मेरी चाय गिर गई सारी यार। एक घुट पियेंगे ज्यादा नहीं। बारी है इस गेट की। ये जो हमने तोड़ा था ना गेट एक बार बस जब के बाद से अब लग रहा है। आज के दिन घर में ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा क्योंकि ना पूरे घर में काम ही काम हो रहा है। जब एक गेट लग रहा है उसका सारा बुरादा वगैरह पड़ा हुआ है मतलब ज्यादा चीख नहीं सकते क्योंकि काम वाले आए हुए ना यार उनके सामने चीखने में अच्छा लगेगा क्या। और इधर आओ तो शपाटर बॉयज घूमते नीचे। एक चीज भाई कल मैंने कुछ बोला था याद है कोई सरप्राइज। बहुत अच्छे तरीके से याद है सुबह से याद है। मतलब क्या तुम्हें लगता है सरप्राइज क्या हो सकता है। मुझे सरप्राइज चाहिए था। अब सरप्राइज कौन सा कैसा कोई आइडिया लगाया कल से अभी तक तुमने लगाया कोई आइडिया। मैं तो खुद अभी सुन रहा हूँ। हाँ तुम्हें तो पता ही नहीं है तो हम दोनों ने खुद बात की। जो भी दे दो बस ये रहा हैंड फ्री गिफ्ट तुम्हें। ये हैंड फ्री मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए भाई 50 लाख रुपए की हैंड फ्री है ये हैंड फ्री पहले से मेरी है। अच्छा तुम्हारी है फिर ठीक है तो गिफ्ट दे दें क्या। यस पक्का गिफ्ट दे दें। यही बैठो मॉम से पूछना पड़ेगा। मॉम 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 जो सरप्राइज मैंने आपको दिया था वो किधर है। वो
जाओ ना चुपके से निकालो जरा। प्राइज जो था ना वो मैंने मॉम को दे दिया था और मॉम ने वो छुपा के रख दिया है, काफी टाइम से मेरे पास है वो, बट मैंने फरिया को नहीं दिया। आज फरिया को हम कर देंगे खुश। चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, इस कमरे में है वो सरप्राइज। चल बाहर बाहर, तुम भी यही रहोगे, तुम भी जा रहे हो बाहर, तुम भी देखोगे वो सरप्राइज शायद इस अलमारी में या इस अलमारी में। हाय हाय हाय, चेक दिस आउट, न्यू नवेली दुल्हन फरिया की। भाई चेक करो, गर्दन में दर्द हो गया, हिल नहीं रही, सोते रहो। हिल नहीं रही, दिखाओ मैं हिलाऊं, हटो। नहीं, उधर देखो एक बार, उधर देखो। नहीं, 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 अबे देखो अबे कैसा है, पेट गिफ्ट हो रहा है भाई, आगे रखा हुआ था तो अब सोचा कि दे ही दूं यार। क्योंकि मुझे टैप की जरूरत ही नहीं है, मुझे दे दो। वाह, तुम्हें कौन सी जरूरत है, टैप से व्लॉग बनता तो होता तो मैं कब का यूज कर रहा होता ये। बट अब ये फरिया के ही काम आएगा। सो या, लेकिन ये है कौन सी जनरेशन ये तो देख ले हम। ये है 9th generation, फरिया के पास 8th generation है और ये उसका अपग्रेड है। ये लड़की किधर है, ये लड़की किधर है भाई, ये लड़की अब पीछे मत देखियो यार, प्लीज अब प्लीज सबर कर, आंखें बंद कर, उधर जा, चल आंखें बंद कर, उधर जा, उधर जा, उधर, हाँ बस आंखें बंद कर ले, इधर खड़े होके चल चुपचाप, वन आंखें बंद कर, अब हाथ रख, अबे हाथ रख आंखों पे, चल वन, जब बोलूं जब खोलना है, टू और ये 3। अबे भाई न्यू न्यू आईपैड, कब से मैं ये सोच रही थी क्या होगा क्या होगा, थैंक यू सो मच। पता है कौन सी जनरेशन है, तेरा जो पास अभी टैब था ना, पूरे 1 साल हो गया उसको या 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा ही हो, ज्यादा हो गया हाँ, तो ये उसका एक अपग्रेड आ गया बस, मतलब 9 थे ये वो 8 था। अच्छा चल अनबॉक्स कर फटाफट मेरे सामने, थैंक यू। अभी 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 भाई अभी देखूं तू जरा, चल भी रहा कहीं खराब भी नहीं लिया तेरे लिए मैं। चलो भाई तो अनबॉक्स, शाबाश। अच्छा अपना आईपैड आराम से अनबॉक्स हो रहा है, मेरा तो धड़ 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 तूने कर दिया था। चल 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 शाबाश, उठा 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 उठा, खोल दे खोल दे, खुल जा सिम सिम, तो खोल दे फिर, हाँ तो खोलते हैं भाई, खोलते हैं, खोलते हैं। ओए होए 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 होए, चलो ओ हो 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 हो, भाई वाओ भाई वाओ, माइंड ब्लोइंग भाई। और ये ज्यादा स्लिम है थोड़ा उससे, है ना, वो 8 थोड़ा सा इससे हैवी था। खुल जा भाई, खुल को नहीं रहा, ऊपर से खुलेगा, रुक जा, खुल जा सिम सिम, ओ खुल गया सिम सिम। एक तो चलो टैबलेट आ गया है, दूसरा भाई चार्जर भी आया है, फोन के साथ तो मिलता ही नहीं। हाँ भाई चार्जर जो है ना, अब वो फोन के साथ नहीं आते, तो टैब ले लो, टैब के साथ चार्जर मिल जाएगा आपको ओरिजिनल, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं होता कि ओरिजिनल कौन सा है, लोकल कौन सा है, तो ये ओरिजिनल है। इसके बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं है कहीं, नहीं नहीं इसके बॉक्स में कुछ नहीं है। बस वाला आईपैड का है, जल्दी फटाफट लेकर आओ उसको, क्यों अबे एक मिला तो एक रखूंगा ना, नहीं ना दोनों नहीं मिले भाई, मम्मा बताओ भाई बताओ, एक दे या दोनों दे, इसको बताओ, नहीं 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 अपने पास रखेगी, नहीं ना तो आप अपने बारे में खोलो उसको, मैंने कह दिया खत्म बात, नहीं फिर इसको रखो, फिर इसको नहीं नहीं, वाह भाई दो पास रहेंगे वो, देखो बंद रहेगा वो, कभी यूज करना जब करूंगा नहीं रहेगा, ठीक है चलो, थैंक यू भाई। तो फरिया को आज हमने गिफ्ट दे ही दिया भाई, एक न्यू आईपैड, ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, चार्जर का फ्लैक्स करते हैं भाई, क्यों बस खुशी चार्जर की। हाँ हमारे घर में तो सारे आईफोन हो गए ना, तो बॉक्स में तो चार्जर आता ही नहीं है, तो बस जब इनको ज्यादा खुशी हो रही ताकि चार्जर ना 3-4 हो गए हमारे पास अब। बस ये 8th generation है ना, वो 9th generation है, बस ज्यादा फर्क नहीं होता, सब साइज, हाँ तो जैसे मेरे 13 पूरा सेम था, 14 में यूज करो 14 भी सेम ही है, बस उसकी नोच दूसरी हो गई हल्की सी, भी सही है, टूटा फूटा हो गया ना, देखो ना कितना टूटा फूटा हो गया, और इसके अंदर लैगिंग भी काफी हो रही थी, पासवर्ड का मसला आ रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, सबसे पहले ग्लास कवर चढ़ेगा, हाँ ताकि टूटे, मतलब पूरा पैक करना और ये टूटे नहीं, इस तरह ना हो उसका हाल, वरना फिर तीसरा नहीं दिलाऊंगा। ओके बस ये तुम्हारा लास्ट था, बाय 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 बाय। कहाँ जा रहे हैं भाई, हम कहाँ जा रहे हैं, अरे अरे हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो हम चलते चलते नीचे आ गए और गाड़ी में बैठ गए, भाई अभी हम जा रहे हैं भाई खाने पे, समझ लो एक तरीके से डिनर डेट पे यार, अब ना मेरी वाइफ को पता नहीं कौन सा चस्का लग गया, वो बोलती है कि यार अब हम अकेले भी खाने पे जाया करेंगे, क्योंकि बेबी जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर वो हमें जाने नहीं देगा अकेले, तो अभी अब बहुत मौका है कि हम अकेले जाएं, तो चलते हैं भाई फिर डिनर पे, हटो 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 हटो, अरे ताज डोंट साइड में जो क्या कर रहे हो, अबे भाई ताज डोंट, अबे क्या कर रहे हो, अबे नहीं अरे नहीं, अबे ताज डोंट को ऐसे लेके चले, चलो बैठो लेके चलते हैं आपको ऐसी, चलो गुड हो गया, आप ताज डोन को मैसेज लेके जाएंगे भाई अपने साथ डिनर पे, अबे ताज डोन क्या कर रहे हो यार, उतर जाओ लोग हंसेंगे,
बस 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 थैंक यू ताजडोन। क्या हो गया आज? तो तबीयत सही नहीं तो ये होगा। नाली बंद क्या हो गया? गला बैठा हुआ। बोलो लेक लेक कमेंट कमेंट शेयर शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब बस ओके। जैसी गाड़ी निकली ताजडोन भाई यहाँ पर बोनेट के ऊपर, मैंने बोला अबे ताजडोन क्या हो गया, पता लगा तो भाई उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब में हो जाता है यार, एज भी तो ज्यादा हो गई ना। टॉपी मैन कैसे हो? आज तो बहुत ब्रांड लग रहे माशाल्लाह, सच जावा तो वारी वारी जावा। आज मेरी मैडम नाम से खैर हो गए। ओ बेटी मेरे मैडम गाड़ी हमने दे दी वेले वाले को, अब हम जा रहे हैं भाई ऊपर, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर। चलो 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 जल्दी जल्दी जा भाई, अभी हम बैठे हैं वेटिंग की जगह पर और आगे जो है ना काफी रश है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें व्यू मिले वहाँ से ना, सारा रोड वगैरह सब दिखेगा, तो हम गाड़ियाँ देखते देखते खाना खाएंगे आज, वरना तो हमेशा जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और एक चार दीवारी के अंदर बैठ के खा लेते हैं, तो वो मजा नहीं आता ज्यादा, बट आज हम मजे से खाएंगे। स्पेशल डेट हो जाएगी आज। हाँ जगह मिल चुकी है भाई हमें, और लेकिन हमें मिड में मिली है, वो हमें आगे नहीं मिली जहाँ से व्यू आता है भाई रोड का। मैं वैसे चल के दिखा सकता हूँ आपको, मतलब काफ़ी मज़ा आता है, जो वहाँ बैठा होगा ना उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। गाड़ियाँ चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन अब क्या करें यार, टू सीटर यही था बस। मैं देसी हूँ तो मैं खाऊंगा भाई मटन पिशावरी कढ़ाई, ये भर गया इसमें वो लीक ना हो जाए। डिनर इतना स्पेशल हो गया है कि भाई एक एक करके चीज़ें आ रही हैं, पहले एक आप फिनिश कर लोगे देन सेकंड चीज़ फिर थर्ड चीज़, तो ये हमारी है अभी सेकंड चीज़, फिर थर्ड आएगी फिर फोर्थ। खाना खाते खाते दो बहुत ही बड़े सब्सक्राइबर्स मिल गए, आप देखोगे तो कम से कम बहुत बड़े हैं, हाइट में भी माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, 7-8 फीट तो कम से कम उनकी हाइट होगी। तो क्या कहना चाह रहे हो, बोलो हम कुछ कहेंगे, व्लॉग खोलो, क्या कह रहे हो भाई? हमने मास भाई को देखा और हमने उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाई, और हमने बोला क्या व्लॉग खोले, हमें व्लॉग खोले। बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है आप गंजे हो। मैं कहाँ गंजा हूँ, गंजा तो नहीं हूँ, बोल रहा है कि टोपी उतारो, गंजे हो अंदर से। थर्ड डिश किस्तों में खाना आ रहा है, तो ये अगवानी बोटी हो गई और ये हो गई हमारी कढ़ाई। इतने सारे बच्चे आ गए और मतलब बहुत सारे लोग हमें मिल गए भाई। अगर आप लोग देखते हैं हम घर से अकेले आते हैं और हम अकेले एंजॉय कर रहे हैं, हम बिल्कुल एंजॉय नहीं करते, सब छोटे छोटे बच्चे हमारे पास। हाँ ये तो है कि आप लोग को लगता है हम अकेले जाते जाते हैं तो बहुत एंजॉय करते, नहीं भाई सब्सक्राइबर हर जगह मिलते हैं और हर जगह में टाइम देना पड़ता है। कार 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 गाड़ी आ चुकी है, अब चलते हैं भाई डायरेक्ट घर। हो गया नींद आ गई, चलो आगे घर। दोनों गेट बाहर आ गए तो मतलब दो गेट लग गए, चलते हैं देखते हैं भाई कि कैसे लगे। चला चला, अरे गेट तो खुला ही छोड़ दिया। बेबी आज सिर्फ सो रहा है भाई, रात को जागे हो क्या, जो पूरे दिन सो रहे हो आज? हो गया दूसरा भी हो गया, मतलब कल फिर दो रह गए। अरे वाह, अरे अब जान से खोलना पड़ेगा इसको तो। सामने आके खोलो, सामने। अच्छा अगर सामने ही खोल, हाँ थोड़ा इजी है इधर से खोलने में, जब आप यूं एंगल चेंज करके खोलोगे ना तो ओए तो मुश्किल हो रहा है। हाँ आपको इधर से एंड करते हो, मिला पसंद आएगा ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, बस सिर्फ आई थिंक एक दो दिन और रहेगा, उसके बाद से फिर हमारे काम भी शुरू हो जाएगा कमरे का। और तुझे कैसा लगा भाई गिफ्ट? गिफ्ट की कोई तारीफ शारीफ नहीं कर रही भाई, अच्छा चल रहा, सही है, मजा आ रहा है। हाँ खुश है अपनी लाइफ से अब? ना खुश हूँ, इस लोग को लाइक करें कंग्रेचुलेशन। अबे नहीं खुश नहीं है, बहुत सुस्त लग रही है, क्या हुआ नींद आ रही? नहीं बहुत खुश हूँ, बता दे सच। तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब मस्ट, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ये हमारी है सेम यही लेवल की, इधर तीन पल्ले और बनेंगे, ये हट जाएगी। सो भाई बेबी के गिफ्ट भी आए इसी के साथ, आज आई थी हमारे घर पे दो ये है, एक शायर है बहुत ही अच्छी, समझ रहे हो, मतलब टिकटॉक के शायर है फातिमा जाफरी, वो लेकर आई थी सारे। सो थैंक यू यार, थैंक यू।